देश भर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में तेज धूप खिल रही है। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है तो रात को सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। इस बीच आज से एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश, बिजली और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली में आज दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ 29 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 1 मार्च से 4 मार्च तक मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। IMD के अनुसार जम्मू कश्मीर में बिजली गिरने के साथ ही गरज चमक से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा 26 और 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कृषि विभाग की ओर से लगातार परामर्श जारी किया जा रहा है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।